में आने के बाद में इन्हें एक सप्ताह के अंदर अपनी चारों डाउनलाइन खोल दी थी। वाह और डाउन मेरे कहने के बगैर ये मेरे से बोले कि ये तो मेरे को बहुत अच्छा काम मिल गया। उसके बाद में इनका आज एक साल हो गई, एक साल के बाद में इन्हें इतना फास्ट काम किया है कि 9 महीने में ही, कोई कहता है कि टाइम ज्यादा लगता है, कुछ नहीं, कोई बहाना करता है, लेकिन 9 महीने के अंदर ये एसीडी लेवल मेंटेन करते हुए 9 महीने में अपनी कार यहाँ से ले चुके हैं। वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात। नमस्कार। पहले तो सर मैं धन्यवाद देती हूँ और सबको, अपने अप्लाइंस को धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि वो जो ये प्लेटफॉर्म दिया है ना आप लोगों ने, वो मेरे को शानदार मिला है पहली बात तो। और फिर आपने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है मुझे कि मुझे आज बोलने का मौका मिल रहा है। और बोलने की बात करूँ तो मैं बहुत कम बोलती हूँ, बोलने का कभी एक्सपीरियंस रहा नहीं, क्योंकि शुरू से पहले आपको पता है राजपूत फैमिलीज में थोड़ा अंदर ही रहना करना, और फिर उसके बाद में ये था कि पार्लर किया, तो भी पार्लर आपको पता है सिर्फ लेडीज ही एंटर होती है वहां पे, तो ये रहता है जो सामने आ गया उसी से बात करना, बस ऐसे किसी से अपने आप आगे होके बात करना वो चीजें नहीं आती थी। तो थोड़े दिक्कतें तो आती, क्योंकि बात करने की ये है कि मैं किससे बोलूं, क्या बोलूं। जब सर ने, हितेंद्र सर ने जो मुझे बताया, तो मुझे बिजनेस बहुत अच्छा लगा, लेकिन ये है कि मैं कैसे जाके कैसे बताऊं। पर जैसे कि 10-15 लोग तो अपने होते ही हैं, उन लोगों को मैंने शुरुआत में बताया, उन सबको अच्छा लगा, और मैं बताया किसी को नहीं। मैं तो अपनी एक्टिवा पे बिठाती, पार्लर से 8 बजे फ्री होती थी रात को, और 1 महीना, और वहां से फ्री होते ही किसी एक बंदे को बोलती कि आप एक जगह चलना है आज, अपने को मेरी एक फ्रेंड है उनसे मिलवाना है, तो मैं रात को 8 बजे वहां से फ्री होके और एक्टिवा पे एक बंदे को बिठाती और यहाँ लेके आ जाती। जो करना था हितेंद्र सर ने किया, सीमा जी ने किया, इन्होंने सब समझा दिया और फिर उनको भी समझ में आ गया। ऐसे करके मैंने 1 महीना 1.5 महीना काम किया, तो उसमें मुझे पॉजिटिव सब मिला। लेकिन उसके बाद में लॉकडाउन आ गया, लॉकडाउन आने के बाद में हमें दिक्कत हुई कि क्या करें, पर पार्लर भी बंद हो गया। फिर बीच में मैंने 3 साल से बुटीक भी खोल लिया था राजपूती ड्रेस का, तो वो भी बंद हो गया। तो अभी वहां ये हो गया था कि हाँ, उससे 1 महीने पहले अगर ये बिजनेस नहीं आता तो शायद मेरा बिल्कुल, मैं नेगेटिव थी वैसे भी, और फिर ज्यादा हो जाते, क्योंकि आपको पता है प्राइवेट जॉब वालों के लिए सोचने की जरूरत बहुत ज्यादा होती है, और उस टाइम पे तो बिल्कुल, ये भी प्राइवेट जॉब में है, मैं भी और मेरा बेटा भी प्राइवेट जॉब में, और तीनों हम फ्री हो चुके थे, नहीं ना कोई पेमेंट आने का रास्ता था, ना कुछ आना जाना, कुछ भी नहीं, सब लॉकडाउन। तो उसके बाद में दिमाग, लेकिन वहां पे 1 महीने से मतलब ये हो गया था कि मेरे को यहाँ से इतने पॉजिटिव थिंकिंग आ चुकी थी कि मुझे ऐसे लगा कि शायद मेरे पास ये मौका जो है ना, इसको मुझे खोना नहीं है, इसको पार्लर में और बुटीक में दिमाग न लगा के, और खाली दिमाग हो गया था कि अब कुछ नहीं करना है, मोदी केयर करना है। और मोदी केयर ऐसा करा कि कुछ तो सपोर्ट रहता सर, बहुत सपोर्ट है इनका, इतना सपोर्ट रहता है क्योंकि इनके तो एक्सपीरियंस है, मेरे तो नहीं है, मेरे तो नेगेटिव एक्सपीरियंस है, मैं अपनी मेहनत पे भरोसा करती हूँ, इन कंपनियों पे तो कभी भरोसा किया नहीं। लेकिन इन्होंने क्या पीछे से, जैसे कि उस टाइम पे मैं नई नई थी, तो पीवी और बीवी समझ में आता नहीं था, तो जैसे सीमा जी ने बोला, हितेंद्र जी ने बोला कि आपको ये करना है वो करना है, तो लॉकडाउन में पहली बात तो ये दोनों मेरे बहुत टच में रहे, एनी टाइम, सुबह शाम रात को दिन में जब भी टाइम मिलता तो ये समझाते रहते, आप टेंशन मत लेना, आपको ये करना है, आपको ये करना है। फिर कंपनी में काफी ऑफर दे दिए थे, तो इस वजह से इन्होंने जैसा बोला मैंने वैसा करती गई, और शायद मैं 10% पे थी जब लॉकडाउन हुआ था, उसके बाद में मैं 10 अप्रैल को 13% पे आई थी, 13-14 अप्रैल को, और मैं 30 अप्रैल को डायरेक्टर बन गई थी, 13 दिन के अंदर डायरेक्टर बन गई थी, और इन लोगों की हेल्प से ही। पहली बात तो ये है कि पहले आप अपने आप पे भरोसा करो, सबसे पहले खुद पे भरोसा करो कि मैं ये कर सकता हूँ, तो खुद पे भरोसा करोगे ना तभी आप कंपनी पे भरोसा कर पाओगे, नहीं तो रोज क्या होता है कि एक दिन तो आप यहाँ मीटिंग सेमिनार्स में आते हैं ना तो पॉजिटिव हो जाते हैं कि हम तो ये कर देंगे वो कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन घर जाके हमसे तो नहीं हो रहा, तो ऐसे थोड़ी ना होता है, खुद को खुद पे भरोसा तो होना चाहिए कम से कम, क्योंकि आज की बात नहीं है, मैं शुरू से हूँ कि जो मैंने ठान लिया, मैं कम इनकी भी नहीं सुनती हूँ हस्बैंड की भी नहीं सुनती हूँ, जो मैं ठान लेती हूँ मैं करके रहती हूँ,
क्या बात पार्लर जब ओपन किया था तब इन्होंने मना किया था कि अभी हमें पार्लर नहीं खोलना है, पर मैंने कहा मुझे खोलना है तो खोलना है, और मैंने 5 दिन के अंदर पार्लर खोली। उस टाइम पे थोड़ा सा फैमिली भी नेगेटिव थी कि पार्लर नहीं करना है वो करना है, लेकिन मैंने फैमिली से दूर जाके पार्लर खोला और थोड़े दिनों में फैमिली नॉर्मल हो गई, सब खुश हो गए। और आज के टाइम पे मेरे पास से ये चीज है कि फैमिली सपोर्ट जो है, बैकग्राउंड जो है फैमिली वाला, वो मेरा बहुत पॉजिटिव है। मतलब जो मैं काम करती हूँ ना उसके पीछे, मतलब मेरे परिवार वाले, चाहे बड़े हैं वो भी मेरे सपोर्ट में है और छोटे हैं वो भी मेरे सपोर्ट में है, तो वो चीज मेरे लिए, ससुराल और पीहर दोनों का, तो ये चीज एक मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं जो करती हूँ ना तो उसमें मेरा कोई दोष नहीं निकालते, वो तारीफ करते हैं कि ये कर सकती है, ये कर सकती है, तो ये बहुत अच्छी बात होती है। ये बहुत बड़ी बात आपने बोली, लोग कमियां निकालते हैं, लोग पैर खींचते हैं। और सच बताओ दोस्तों, आप सब लोग सोचिए इस चीज को, आज ये दोनों कपल में देख के एकदम सिंपल लग रहे हैं, एकदम सिंपल से घर से हैं, अच्छे परिवार से हैं, बहुत ज्यादा हाई फाई जोश जुनून और ये दिखाना वो दिखाना ऐसा नहीं है, बहुत सिंपल सा। नरेंद्र सर को मैं देख के मतलब दिल खुश हो गया, एकदम शांत स्वभाव से बैठे हुए, चुपचाप बैठ के बता रहे हैं, समझा रहे हैं। तो ये चीजें क्या है, इसमें सबसे बड़ा सबसे प्लस पॉइंट आपका मेरे को जो लग रहा है कि वो फैमिली का सपोर्ट। अगर हमारी फैमिली पॉजिटिविटी देती रहे, हमें मोटिवेट करती रहे, तो शायद हम वो कर सकते हैं जो बहुत इंपॉसिबल। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज यही आता है कि लोग टांग खींचते हैं जो नहीं करना है हमें। और ये बात सीखने की वही की है आपकी कि अगर हमारी सब फैमिली सपोर्ट कर रही है और पॉजिटिव थॉट के साथ में डेडिकेशन के साथ लगे रहेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। और आप क्या बताना चाहेंगे सफलता के लिए क्या करना चाहिए, इसमें कार लाने के लिए क्या करना चाहिए? मेरा यही कहना है हर आदमी को, डेली मिलता हूँ ये, कि आप एक दिन में सोचते हो कि एक दिन में सब कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। आप यहाँ 5 से 6 महीने तक यदि आप कंटिन्यूटी यहाँ से चलते हो तो मैं गारंटी से मत कईयों को ये भी बोल देता हूँ कि आप मेरे साथ चल के देखो, ये आपके समझ में नहीं आता, आप 4 से 5 बार मेरे से मिल सकते हो। भाई कोई आदमी ये कह दे कि साहब यार महंगा सस्ता, तो मैं बोलो आप मेरे घर में आओ ना, आप आपके रस दरवाजे खुले पड़े, आप 4 से 5 बार मिलो, आपका ये दिल से ये है कि यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, 1 रुपया आपको लगाना नहीं है, आपको सामान पहले से भी आप बाजार से ले रहे हो और यहाँ आपको शॉप चेंज करनी है क्योंकि आपको वहां को वहां महंगा भी आप सोचते हो भाई मैं सस्ता लेते हैं, लेकिन हमारा तो ओरिजिनल माल सस्ता, मतलब लोकल से भी सस्ता पड़ रहा है, तो कोई दिक्कत भी नहीं है। लेकिन हर आदमी की समझ नहीं आता, लेकिन मैं सक्सेस का ये लोगों को मंत्र देता हूँ कि कम से कम आप 1 साल रुकिए, 1 साल रुकने के बाद में आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से मैंने कितना बड़ा अचीवमेंट लिया है। सब लोगों को यही मेरी तरफ से है कि आप बराबर चलते रहो, 6 महीने में भी हो सकता है आपके समझ में आ जाएगा, लेकिन लोग क्या है कि 1 से 2 महीने में वापस वही हो जाता है कि वो है वो नहीं। लेकिन मैं हर आदमी से ये जो भी मेरे द्वारा जो साथ में है आज भी है, लोग आते हैं जाते हैं, मत ये भी आदमी एक छोड़ता है तो मेरे साथ में तो 5 आते हैं, क्योंकि इसमें नेगेटिव वाली कोई बात नहीं है कि भाई यहाँ से अपने को नुकसान हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है। 1 साल जो बंदा चल गया, और मैं तो ये कहता हूँ आप 3 साल दीजिए, पीछे भी तो आपके 3 साल गए, 3 साल में कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन आप मोदी केयर में 3 साल के आते हो तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप, खैर कार तो 1 साल में जैसे हमारी आ गई, तो मैं ज्यादा आदमी हर आदमी बता रहा हूँ 2 साल में तो आपको 5 से 10 लाख रुपए की गाड़ी 100% निश्चित है। बिल्कुल सही बात है, आपने बात जो बताई कि 1 साल मेहनत की, 1 साल में कार आ गई। आपकी कार कितने की है सर, कौन सी कार है आपकी? मेरे साहब टाटा अल्ट्रोस गाड़ी है, 7 लाख रुपए की, 7 लाख की गाड़ी। हाँ मात्र मैंने मेहनत करके लॉकडाउन के अंदर 9 महीने के अंदर ये कार लेके मैं आया हूँ, मतलब मैंने 3 महीने क्वालिफाइंग किया लगातार, कहीं ये भी नहीं है कि हमने कोई कभी नेगेटिव तो थे ही नहीं कभी, और आज भी नहीं है। 1 साल बाद में भी वही है कि कोरोना फिर आपको पता दोबारा आ गया, मतलब लोगों से ये कहना है कि इस कोरोना काल में पता नहीं ये साल में जाएगा 6 महीने में जाएगा, लेकिन सब लोगों के घर बैठे का काम है, आराम से आप बहुत बड़ी सफलता पा सकते हो। बिल्कुल सही कहा सर आपने, और ये सफलता आपके लिए मिसाल है, लोगों के लिए मिसाल है। 1 साल के अंदर में कार लाना ये कम बात नहीं है, बहुतों के पास में लोग 2 साल से 3 साल से लगे नहीं आ रही, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी कमी है जो नहीं ला रहे, और कुछ लोग ऐसे हैं जो सब रिकॉर्ड को तोड़ दे रहे हैं, और वो आप लोग एग्जाम्पल हो कि ये 9 महीने से साल भर के अंदर का काम किया हुआ और कार लेके आ गए 7 लाख की, वाकई में काबिले तारीफ है। और ये सब लोगों के एक एग्जाम्पल है कि एक प्यारे से कपल, और ये जब कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं, तो ये सब लोग कर सकते हैं, बस खाली चाहने की देरी है और ठानने की देरी है। अब जानना चाहेंगे सर मैम आपसे कि आपका आगे का ड्रीम क्या है,
क्या सपना आपने बनाया है, टीम के लिए भी है, कोई अपने लिए सपना है, तो क्या आपका ड्रीम है, लॉन्ग टर्म ड्रीम, शॉर्ट टर्म ड्रीम, कोई हो तो ड्रीम जरूर बताएं अपना। बात ये है कि पहली बात तो है कि मेरे गाड़ी आनी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैंने मेहनत की है, मेरी टीम ने भी मेहनत की है, अपलाइन ने भी मेरे साथ मेहनत की है, डाउनलाइन ने भी मेरे साथ मेहनत की है, लेकिन मेरा सपना है कि मैं जिन जिन लोगों को मैंने भरोसा दिलाया है उन सबकी गाड़ियां आए ना, तब मेरा दिल खुश हो, क्योंकि मेरे कहने से सब लोग आए हैं। तो मैं यही चाहती हूँ और अपनी टीम को यही बोलती हूँ कि भाई आप लोग है ना कम से कम 3 साल भरोसा रखो। कई बार होता है टीम डाउन हो जाती है कि टेंशन हो जाती है, कैसे आती है आपकी गाड़ी आ गई, हम नहीं ला पा रहे हैं, कैसे नहीं ला पा रहे हैं। तो मैं उनको यही बोलती हूँ कि जरूरी नहीं है कि मैं 9 महीने में लाई तो आपके भी 9 महीने में, लेकिन अगर आप 3 साल तक मेरे साथ रहोगे तो गाड़ी तो हर इंसान की आएगी। मोदी केयर प्लेटफॉर्म ऐसा है कि आप बिना पैसों के पूरी दुनिया चेंज कर सकते हो, अपनी खुद की फैमिली। हम लोग कोई पैसे वाले फैमिली से नहीं है, हम बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली से है, लेकिन ये कि मोदी केयर के भरोसे में आज मेरे सपने इतने बड़े हो गए हैं कि मैं अपनी टीम के लिए भी सोच रही हूँ और मेरी फैमिली के। मेरे घर बहुत छोटा घर है, तो मेरा सपना है कि मैं 2023 में मेरा कम से कम 500 गज का प्लॉट हो मेरे, और खूब बड़ा मकान हो जिसमें आप जैसे लोग आए तो टेंशन ना हो कि गाड़ी कहाँ खड़ी करेंगे, पार्किंग की टेंशन ना हो। और मैं सबको मतलब ये है कि मेरी टीम को भी बोलना चाहती हूँ और सबको सबको बोलती हूँ कि मोदी केयर करें, क्योंकि इसमें ये है कि आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ हमें मोदी केयर पे भरोसा करना है। सबसे पहले तो हमें भरोसा करना है अपनी कंपनी पे, सोच बदलनी है, अपना माइंड सेट करना है। अगर आपने माइंड सेट नहीं किया ना किसी चीज के लिए तो आप कभी भी काम नहीं कर सकते। जब तक आपका माइंड सेट नहीं होगा तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो घर का काम हो, चाहे वो मोदी केयर हो। जब तक आपने सोचा नहीं कि मुझे ये काम करना है, तब तक आप अच्छे से सोचेंगे ना कि मुझे खाना बनाना है, तो खाना बनाने के लिए हमें सोचना पड़ता है कैसे सब्जी लानी है, कहाँ से लानी है, कैसे करनी है। तो उसी तरह हमें मोदी केयर करना है तो हमारा माइंड सेट होना चाहिए कि हमें मोदी केयर में गाड़ी लानी है। अब मुझे पता नहीं उस टाइम पे गाड़ी कैसे आती है, मैंने तो मेरे अपलाइन ने बोला कि आप अपने सपने लिख दो कि गाड़ी लानी है। जब मैंने ज्वाइन किया मुझे पता ही नहीं क्या होती है गाड़ी, कैसे आती है, और ऐसी कोई गाड़ी आती है क्या। मैंने लिख दिया 2020 में मुझे टाटा की नेक्सॉन गाड़ी लानी है, मैंने बस ऐसे ही लिख दिया था। अब 2020 में गाड़ी कैसे आती, क्योंकि 8-10 महीने में गाड़ी किसके आती है, किसी के नहीं आती। पर वो पता नहीं भगवान ने कैसे सुना, क्या किया, कुछ नहीं पता। बच्चे भी जैसे बोलने लग गए कि आपने बोला था 2020 में गाड़ी आ गई, जबकि मैं एसीडी बन चुकी थी, 3 महीने क्वालिफाई भी कर लिया था, दिवाली से पहले मेरा एसीडी लेवल कंप्लीट और 3 महीने क्वालिफाई भी किया था हमने, तीनों कंटिन्यू कर लिया था। उसके बाद में ये था कि धनतेरस पे गाड़ी लानी है, धनतेरस पे थोड़ा पार्लर में बिजी हो गई थी उस वजह से थोड़ा टाइम नहीं दे पाए, तो वो नहीं हो पाई बुक। गए थे तो बाद में पता चला कि बुकिंग तो पहले करनी पड़ती है क्योंकि पहली गाड़ी है हमारी, तो वहां पे जाके पता चला ऐसे कोई गाड़ी थोड़ी लेते हैं, पहले से पता चलना चाहिए। वहां पे बुकिंग थी तो बोले है ही नहीं गाड़ी, अवेलेबल ही नहीं है। तो वो 1 महीना फिर 2020 आ गया, तो ऐसे हो गया कि यार अब तो मेरे को बच्चे भी ताने मारने लग गए कि गाड़ी तो लानी, 2020 लिखा, मम्मा डेट देखो, मम्मा आपकी डेट जा रही है, मम्मा आपकी डेट जा रही है। फिर दिमाग ऐसे हो गया कि आपको कुछ करना ही है, क्योंकि उस टाइम पे मेरे को 4-5 महीने हो चुके थे एसीडी को क्वालिफाई करे हुए। तो फिर ये हो गया था कि नहीं मुझे जाके करना है, तब हितेंद्र सर को ले गई साथ में, और 31 दिसंबर को मैंने टाटा की अल्ट्रोज बुक कराई। वहां जाने के बाद अल्ट्रोज मुझे पसंद आ गई और वो मैंने बुक करवाई। और इस तरह मैं अपनी टीम को भी बोलती हूँ, पहले अपना सपना लिखो और सपने पे लिखो डेट, क्योंकि डेट नहीं डालेंगे ना तब वो गाड़ी तो ऐसे ही पड़ी रहेगी, हमें पता नहीं है कब आनी है कब नहीं है, डेट नहीं लिखते इसलिए वो गाड़ी की भी प्रॉब्लम है। डेट फाइनल करो, मुझे थोड़ी पता था कि 8-9 महीने में गाड़ी आती है, वो तो जैसे मैंने लिखा अपलाइन ने बोला लिख दो और मैंने थोड़ा फास्ट लिख दिया। फास्ट आ गया, आपने बिल्कुल सही कहा, ये गोल लिखा आपने और ड्रीम लिखा, सही मायने में गाड़ी आप नहीं लाए हैं, मालूम है कौन लाया है, ये आपके बच्चे लेके आए हैं, उन्होंने बार बार बोला मम्मी गाड़ी कब आ रही है, डेट निकलती जा रही है। और ये सच बताएं, ये लिखने का पावर है, लिखते हैं गोल ना तो लोग हमारे जो खास खास होते हैं ना वो हमको याद दिलाते हैं बार बार कि देखो डेट आ रही है, डेट आ रही है, और हमारा एक्शन भी बढ़ जाता है। वाकई में कमाल किया आपने सुमन जी, नरेंद्र सर, आपने वाकई में जो आज अचीवमेंट किया है वो कम नहीं है, और हमें पूरा विश्वास है आने वाले टाइम में आप बहुत बड़ा इतिहास लिखेंगे।
बहुत सारे लोग आपकी टीम में अचीवर होंगे, आपके सभी सपने पूरे हो रहे होंगे और आप एक आम इंसान से खास इंसान बन चुके होंगे, और खास तो बन ही चुके हैं क्योंकि चैंपियन बन चुके हैं आप। एसईडी बनना मतलब चैंपियन बन जाना, चैंपियन बनने का मतलब आपकी शुरुआत अब सक्सेस की हो गई है। लेकिन हमारी टारगेट अभी यही नहीं है, हमारा टारगेट तो 221 लखपति बनाना है, और हमें पूरा पूरा विश्वास है दिसंबर तक आपके लाख रुपए कहीं नहीं गए, क्योंकि आप जितनी फास्ट तरीके से काम कर रहे हैं उतनी तेजी में काम वाकई में एक चैंपियन ही कर सकता है। तो लास्ट में हम आपसे जानना चाहेंगे, आप लोगों का कोई मैसेज लास्ट में एक अपना चलते चलते कोई मैसेज एक हो तो आप देना चाहें तो कोई एक बार आप मैसेज दे सकते हैं, कोई लास्ट मैसेज आपका। लास्ट मैसेज ये है साहब, हर टीम को और जो भी आदमी मोदी केयर में आना चाहता सबको एक ही मंत्र देता हूँ कि सफलता का ये आपको बगैर मेहनत का कुछ मिलना नहीं, मेहनत करोगे तो 100% आपको रिजल्ट आएगा। मोदी केयर में मैंने ये देखा है कि जो आदमी यहाँ से 7 से 2 साल टिक के काम किया है उसको कोई नहीं रोक सकता, यहाँ से बहुत बड़ी सफलता पा सकते हो। मेरी तरफ से ये भी मैं ही कहूंगी कि मेहनत आपको हर जगह करनी है और यहाँ पे भी आ जाइए और छा जाइए, मेहनत करिए। मोदी केयर में बहुत कुछ है, अनंत है, जो हमने सोचा भी नहीं होगा, शायद अपनी कल्पनाओं में भी नाम आए, इतना है मोदी केयर में। तो बस यही है मेरी सबसे कि भाई आप सब लोग मोदी केयर पे भरोसा कीजिए और बहुत अच्छे से मोदी केयर कीजिए, धीरे 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 नहीं, फास्ट कीजिए। कि काम करना है तो जॉब की तरह कीजिए, कि सुबह से शाम तक हम जॉब की तरह 8 घंटे देते हैं तो यहाँ पे अगर 4 घंटे भी दे देंगे तो हमारी सक्सेस 100% आएगी।